इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवीय चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डॉक्टर चुप करा देती है। चुप चुप, ये होता है रुदन, मीन्स रोना, जोर जोर से चिल्लाना। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल से घिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव में के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आत्म प्रसन्न हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों को झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़, सफ़ेद भेड़ों के झुंड, झुंड कितनी सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूं, मूंदता हूं, कालों को उजला करना चाहता हूं। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूए रंग के भेड़। ओई धाखो, ऐसे गेच्छे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रेलियो है पनिया कि पानी आ रहा है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता ही जैसा शाम हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद रहे हैं। नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाईं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, करंट कितना तेज है, सोने का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लो, कितना तेज है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे को काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रम से डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी बेचारी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। इस तरह यहाँ जल प्रलय के बारे में बताया है कि बाढ़ जब आती है तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। यहाँ लेखक कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कलम थी वो भी पानी में बहकर चली गई। तो यहाँ जल प्रलय का दिखाया है कि किस तरह से इंसान पर एक आफत आती है और वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती है, सब कुछ नष्ट कर देती है, तहस नहस कर देती है। और यही हमारे पाठ का सार था। धन्यवाद।